एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। और इतनी रात हो गई है फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है इन नज़दीक है, ठीक है। अब बहुत ही मुश्किलन आप तक आवाज़ हमारी जा रही है, गला बहुत बैठ चुका है। और आप ऐसे मित्र हैं लाइक तक नहीं करते, देखते हैं गाइस 100+ बच्चे देखते रहते हैं, लाइक की संख्या रहती है मात्र 18 या 19। ऐसा ना करो भैया, लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है बताएंगे, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, बताइए मित्र, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। सॉरी, तो देखो, उपनयन समारोह का मतलब है गाइस कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा उपभेद नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा उपभेद नहीं है। जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो, धनुर्वेद शास्त्र और गाइस जो आयुर्वेद है ये आपका उपभेद है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर योग वेद जो है ये उपभेद नहीं है। अगला, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सहबाजी गढ़ी लिपि में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हालांकि गाइस कहा जाए तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, ई ऑप्शन, और उसमें दिया जाना चाहिए हरिहर और बुक्का। क्या दिया जाना चाहिए? हरिहर एंड बुक्का, क्योंकि गाइस ये दो भाई थे और ये दोनों मिलकर के गाइज कहा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको ई ऑप्शन नहीं दिया जाता तब आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आप क्या करेंगे बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हरिहर। क्यों? क्योंकि गाइस बड़ा कौन थे? हरिहर, और उसके बाद कौन थे? बुक्का। तो मतलब सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा होगा? हरिहर का रहा होगा ना, बिल्कुल। और अगर ई ऑप्शन में आपको हरिहर और बुक्का दोनों मिलता है तो आप हरिहर और बुक्का दोनों पर टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हरिहर आपका राइट होगा। अगला, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, कहते हैं ना सावधान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया। जलालुद्दीन मोहम्मद जो हैं ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया, अकबर। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन 2 अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। सही हो जाएगा यहाँ पर, अवध की जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने गाइस कुछ भी सहायता नहीं दिया था, जबकि हैदराबाद के निज़ाम ये सहायता दिए थे, भोपाल के सिकंदरी बेगम इन्होंने सहायता दी थी, ग्वालियर के सिंधिया इन्होंने भी सहायता दिया था, लेकिन जो अवध की बेगम हजरत महल थी इन्होंने सहायता नहीं की थी। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जल्दी जल्दी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो गई जिस सैयद अहमद खान ने की, ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो हैं सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का गाइस मतलब उद्देश्य यह है, इसके पूछने का उद्देश्य यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय, उनके द्वारा गाइस शपथ ली गई थी कि वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामान विशेष रूप से जो कपड़े हैं उनका उपयोग करेंगे। गाइस किस आंदोलन में बात की जा रही थी? स्वदेशी आंदोलन में। और उस समय मित्र जो अंग्रेजी कपड़े थे उन सभी का बहिष्कार किया जा रहा था, उन सभी को जलाया जा रहा था। तो राइट क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे।
बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। सही आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है ये कब की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है ये कब की? सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा किन्नौर जिला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका बाणासुर, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, शिवकिला दर्रा जो है ये भारत के हिमालय की किस घाटी में स्थित है? अब गाइस कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवकिला दर्रा जो है गाइस ये किस घाटी में है, तो याद रखिएगा ये सतलज घाटी में है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, पश्चिमी विक्षोभ जो है या जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल जो है ये क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है ये गाइस उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 सही हो जाएगा आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक जो है ये क्या होता है? जो गाइस न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक होते हैं वो कौन होते हैं, या गाइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं वो कौन करते हैं ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो जाएगा गाइस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से 3 स्तरीय प्रणालियों के निम्नतम स्तर कौन से हैं? 3 स्तरीय संरचना है और इसमें गाइस जो निम्नतम है वो कौन सा है बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले तो सभी मित्र एक बार पहले लाइक कर दो, लाइक सभी मित्र कर दें एक बार, पहले सभी मित्र लाइक कर देंगे। देखो गाइस गला बैठ गए बोलते बोलते, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है कि आप कम से कम लाइक तो कर ही दो। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, देखो देखने वालों की संख्या लगभग 150 होती है, लाइक करने वालों की संख्या मात्र 27 होती है। ना मेरे भैया ऐसा अन्याय बिल्कुल ना करो, मेहनत कर रहे हैं गला बैठा हुआ है किसके लिए? जिम्मेदारी आपके लिए है ना, आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो लाइक कर दो एक बार पहले सभी लोग। राइट हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतें, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार जो है ये गाइज किसे प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरी राष्ट्रीयकरण में जो गाइज बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये कुल कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 देखो गाइस, जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब गाइस कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और गाइस जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ ये तब कितना हुआ? ये हुआ गाइस कुल मिलाकर के 6, कितना हुआ? कुल मिलाकर के 6, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी विलायंस बैंक यानी LVV, लक्ष्मी विलायंस बैंक यानी LVV जो है गाइस इसका तमिलनाडु यानी कि 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ और इस इकाई का नाम क्या है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बी आंसर राइट होगा। भारतीय संविधान को क्या माना जाता है बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखो मित्र गला बैठ गए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो बताएंगे देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा
रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। यानी गाइस कहा जाए तो रूप में गाइस तो विधान में संघीय है, रूप विधान में, और भावनात्मक देखा जाए तो एकात्मक है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 22 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर गाइस आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अगला, कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है? पहले तो सभी मित्र लाइक कर दो, एक मिनट पहले गाइस सभी मित्र लाइक कर दो। देखो मेहनत जी जान सिद्धत आपके लिए लगा रहे हैं, तो जीवन गाइस आपके लिए पूरा लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, इतनी तो आपकी गाइस जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक तो कर ही दिया करो। तो प्लीज़ एक बार पहले सभी लाइक कर देंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखो मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे प्रश्न करवा दें, लेकिन मित्र जब गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तब दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करें, इतने गाइस बच्चे देख रहे हैं फिर भी लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो पहले। राइट हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का जो संबंध है ये किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो ये कब लागू किया गया? भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आवृत्ति मापने का इकाई जो है वो क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। और जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि गाइस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत क्लास को अटेंड कर सकें। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है हर्ट्ज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? देखो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है ये कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है? 28 का आंसर आप बताएंगे। देखो ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है 1.6726 × 10⁻²⁴ ग्राम, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है या पास करती है? कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि गाइस किसके कारण या किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो है ये गाइस प्रवाह होती है, प्रवास करती है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे तभी बढ़ेंगे जो भी अभी तक लाइक नहीं किए, पहले मैं लाइक कर देंगे तब। देखो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, गला बैठा हुआ है, और आप ऐसे गए स्वार्थी मित्र मिलना बनो, इतने स्वार्थी ना बनो, प्लीज़ एक बार पहले लाइक करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो गाइस एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हैं, तो देखो एंटोमोलॉजी का संबंध जो है कीट से है, ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? गाइस आपका क्या गया है, क्या गया है गाइस? आपका मैथ आ गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि अब गाइस मैथ मैं आपका नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैथ अब सॉल्व करने का टाइम नहीं रह गया है। यहाँ पर आप देख लो मित्र आपका हिंदी का क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, जो आपकी गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? शुद्ध क्या कहलाएंगे बताएंगे यहाँ पर 36। देखो मानक भाषा आपका राइट हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋतु का विलोम है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ऋतु कह रहा है, ठीक है, ऋतु कह रहा है गाइस, रिजु नहीं कह रहा है, मैं तो गाइस यहाँ पर मुझे लगा कि रिजु कह रहा है। देखो जब रिजु आपसे कहा जाएगा तो रिजु का विलोम होता है वक्र, लेकिन जब ऋतु कहा जाएगा ऋतु तो ऋतु का विलोम होता है मेरे प्यारे भाई अनिर्थ। क्या होता है? अनिर्थ, ये इसका विपरीतार्थक शब्द होता है, ऑप्शन बी अनिर्थ जो है ये ऋतु का विलोम होता है। जो भी मित्र जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए,
कहने का मतलब है गाइस इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, 38 का आंसर आप बताएंगे। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, क्या सही हो? नहीं, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। अरे ये तो बिल्कुल गलत है, हम मेहनत करें तो हमें उजाड़ देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है। अरे भैया हम अपने भटके हुए राह से सही दिशा में चलने के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, बहुत बढ़िया। आज हमारा गाइस गला बैठा हुआ है किस कारण? आपके लिए, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष में मैं मदद कर रहा हूँ, क्योंकि आपके गाइस जो सपने हैं वो निखर जाएं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, कभी का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब ये कभी कभी गाइस क्वेश्चन जो है आपका ये इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कभी का शुद्ध रूप ये जो है या वर्तने की दृष्टि से जो कवित्री है ये किस प्रकार लिखा जाएगा। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 39 का आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। पहले देखो, कभी का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवियत्री, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है? दूसरों के दोष देखने वाला, इसको गाइस एक शब्द में क्या कहेंगे? गाइस जो दूसरों के दोष देखे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छिंद्रानवेशी। क्या कहते हैं? छिंद्रानवेशी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो दूसरों से जले उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। ठीक है, यहाँ पर दूसरों के दोष को देखने वाला बात की जा रही है तो छिंद्रानवेशी आपका राइट होगा। यहाँ पर गाइस मैं आपका 41 से लेकर के 45 तक का आपका गद्यांश है, फिर 46 से लेकर के 50 तक का गद्यांश है, ये मैं स्किप करवा रहा हूँ। और फिर मेरे प्यारे भैया आपका 52 से 55 तक का यहाँ पर पैसेज है, ये मैं आपका स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो गाइस ये क्वेश्चन है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गाइस आपको इस समय पढ़ना चाहिए। तो आपको केवल और केवल चुने हुए प्रश्न ही इस समय पढ़ने हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और ये कीमती समय आपको अपने उस समय में खर्च करना है जो आपको गाइस 100% सफलता दिला सके। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? हाँ, ये प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम जो है ये गाइस आपका एक देवीय नृत्य है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मोहिनीअट्टम जो है किस प्रकार का नृत्य है, तो देवीय नृत्य है, या किस राज्य से संबंधित है ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, अ सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी भैया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा विक्रम सेठ। ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सही आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी को, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राइट हो जाएगा 12 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। आज गाइस जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें गाइस दिमाग डिस्ट्रेस हो गया था, उसमें लोकसभा पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया था गाइस 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में आपका होगा 25 और राज्यसभा में आपका होगा 30। ठीक है, देखो लगातार क्लास लेने की वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जब गले में गाइस आवाज़ इतनी आपकी नहीं निकल रही है तो दिमाग तो काम करना बंद ही कर देगा। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर श्री रिजेश। अगला क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, पणजी जो है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताएंगे,
मेरे मित्र, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो। मेहनत तो हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं ना, जिम्मेदारी आपके लिए है, तो एक बार सभी मित्र पहले लाइक कर दो। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि गाइस हमारी मेहनत जो है ये गाइस आपको कैसे लगे मुझे पता चल सके। तो प्लीज़ एक बार पहले लाइक कर दो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी? गोवा की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बचा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ग्राफ तालिका, ये गाइस आपका मैं अब कहाँ करवाऊँगा, अब टाइम नहीं रह गया है, आप इसको हल कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा गाइस खास नहीं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़वा दिए, ठीक है, अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया। अभी हम गाइस इसमें ख़त्म नहीं करेंगे क्लास, अभी दूसरा सेट इसमें हम लेने वाले हैं। चलिए दूसरे सेट की शुरुआत करते हैं। गाइस दूसरा सेट में आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जो है ये संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये गाइस किस युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर एक, हो सकता है कि कल आपके एग्जाम में आ जाए। देखो कांस्य युग से, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक बीमेल है? बेमेल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दो, देखो बेमेल आपसे कह रहा है ना गाइस, यहाँ पर देखो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, ठीक है, मंगलौर की संधि 1784 में हुई, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर जो एका आंदोलन हुआ ये 1919-20 में हुआ, ये गलत है, सी आंसर गलत है। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखो गाइस जो कौटिल्य हैं इनका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, इन्होंने गाइस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? सही आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित गुप्त शासक का कालानुक्रम निर्धारित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। देखो सबसे पहले गाइस गुप्त शासक के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे, तो पहले आपके श्रीगुप्त भैया आएंगे, ऑप्शन सी पहले होगा, तो सी आपका गाइस सी में ही दिया गया पहले, तो सी आपका होगा, फिर होगा समुद्रगुप्त, फिर होगा आपका मित्र हो जाएगा रामगुप्त, और फिर हो जाएंगे स्कंदगुप्त। अगला, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर छः, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे बेंसी टाट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? क्वेश्चन नंबर सात, देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले बैठक हुई ये बम्बई में हुई, राइट क्या हो जाएगा आपका? बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? यह क्वेश्चन आज आपका आया हुआ था गाइस, और ये आपका कब आया हुआ था? पर एप्सली आपका फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड में, याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन फर्स्ट या सेकंड में आया हुआ था। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? सही हो जाएगा विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर नौ, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? मित्र एक बार पहले लाइक कर दो सभी मित्र। देखो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका 1942 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कि अभ्रक जो है ये किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक जो है किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं किस मंडल में संपन्न होती हैं? अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं ये किस मंडल में संपन्न होती हैं? क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 13, जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? यानी कि समुद्री बंदरगाह तो है ही, लेकिन तेल परिष्करण केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 14, सही हो जाएगा आपका मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, आपके सामने भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में समृद्ध शहर है। गाइस जो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, सही हो जाएगा आपका आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड
प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका गाइस इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा UNO के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए? वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन वनों से आच्छादित होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति जो है नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी गाइस सेज अधिनियम जो है ये कब प्रभावी हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस संविधान के अनुच्छेद में किसका गाइज उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पर गाइज संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद नंबर 368, वित्तीय आयोग हो जाएगा 280, वित्तीय आपात जो हो जाएगा मेरे भैया ये हो जाएगा 360, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा आपका 312। सही क्या हो जाएगा, पहले आपका 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला जो अंतिम प्राधिकारी है वो कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मित्र, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी आपसे कह रहा है ना, बहुत बढ़िया। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर गाइस यहाँ पर आपका 23 है, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बात कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। देखो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये कह रहा है ना, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि गाइस जो राज्यसभा में सीटों की बंटवारा जो है ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा गाइस कम से कम यहाँ पर 14 दिन, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह जो प्रभाव है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। हरित गृह प्रभाव से एक क्वेश्चन आपका आज आया हुआ था। सही आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्लेग की बीमारी जो है ये किस कारण से होती है? बताएंगे, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस बैक्टीरिया के कारण, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में गाइस आपके सामने फ्रियान दिया गया है, सेकंड में एंटीनॉक है, मतलब कुल मिलाकर के गाइस आपको यहाँ पर इसका सही सुमेल करके सही उत्तर बताना है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे। देखो फ्रियान जो है गाइस ये आपका प्रशीतक होता है, प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। जो गाइस ये टेट्रा एथिल लेड है आपका एंटीनॉक या गाइस कहा जाए तो आप स्पोर्ट रोधी होता है। जो गाइस यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये आपका कीटनाशक होता है, और जो गाइस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका गाइस अग्निशामक होता है। तो कुल मिलाकर के गाइस पहले 2, फिर 1, फिर 4 और 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि क्लोराइड विलयन में कणों का आकार जो है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो क्लोराइड विलयन में कणों का आकार जो होता है गाइस ये 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-5 सेंटीमीटर होता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? वो गाइस जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं समांतर। कैसे हो जाते हैं? समांतर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपसे गए कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में एक सही विलोम शब्द है उसको आपको बताना है। कहने का मतलब इहलोक जो है इसका विलोम क्या होगा? 36 का आंसर आप बताएंगे। देखो जो इहलोक है इसका गाइस आपसे पूछा जाए विलोम, इसका विलोम जो होता है ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा परलोक। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा? धरती का समानार्थी या गाइस कहा जाए तो धरती का समानार्थक आपको बताना है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखो धरती का जो समानार्थक शब्द है ये क्या है गाइस? आपका अचला। क्या है? अचला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 38 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे अगाम्य कहते हैं। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? 39। कौन सा शब्द बहुवचन है जल्दी से आंसर देंगे। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्राण। प्राण जो है ये सदैव आपका बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती जो है किस भाषा में लिखा गया है? भारत भारती में जो है ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। गाइस देखो क्वेश्चन क्या है। चलो गाइस यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका पुराना करंट अफेयर दिया गया है, मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट में चलता हूँ मेरे मित्र आपके क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि जम्पाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो जम्पाल शब्द है या किससे संबंधित है? 62 का आंसर आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 63 का आंसर आप बताएंगे। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, सही आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने डॉक्टर सलीम मुईजुद्दीन अली अब्दुल जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर सलीम मुईजुद्दीन अली अब्दुल जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 64। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस पशु पक्षी वैज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले जब मैं गाइस आपका कल क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसमें केवल और केवल डॉक्टर सलीम ही पूछा गया था, तो आपने बताया था वैज्ञानिक। और गाइस कौन सा वैज्ञानिक है? तो पक्षी वैज्ञानिक है, यानी ओरेंथियोलॉजिस्ट। अब आपसे गाइस कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो गाइस ओरेंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये मूल रूप से विकसित हुआ है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ है? जल्दी से बताएंगे। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि तानसेन सम्मान जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। 67 राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइज बहुत ही मेहनत करें, गाइज आपका 11:30 बज रहे हैं, तो मित्र मेहनत हम आपके लिए करें। सुबह गाइज फिर से 5 बजे आपकी क्लास लेंगे। 5 बजे क्या कहें, अगर मैं गाइज बहुत ही जल्दी आपकी क्लास लूँगा तो 4 बजे भी मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ। 4 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास लेंगे। 9 क्या गाइज कहा जाए तो 9:30 बजे तक मैं आपकी क्लास लूँगा। उसके बाद आप 9:30 बजे आप अपने एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाइएगा। और आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं, एग्जाम में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा मित्र। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए, माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिएगा, आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा होगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा पटियाला में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 69 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई? अंटार्कटिका की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे।
सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बचा है यहाँ पर आपका 71 से 80 तक गद्यांश। अब इसको आप पढ़ करके गाइज आप आसानी से बिल्कुल आंसर दे सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर गद्यांश को आपका बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, गला बैठा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है मित्र मेरे प्यारे भैया क्लास, तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि गाइज आने वाली तुरंत आपको हर एक नई क्लास की अपडेट मिला करें। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में गाइज कोई समय फिक्स नहीं है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैं आपके क्लास दे रहा हूँ, तो मित्र कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास लीजिए, ठीक है। सुबह फिर से आपकी बेहतरीन क्लास होगी। तो मित्र अब हम बहुत ही ज़्यादा बोल चुके हैं, गला बैठ गया, हो सकता है कि सुबह बोल भी ना पाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा जा रहे हैं आराम कर लें, ठीक है। आप रिविजन कीजिएगा, आपका आराम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो मित्र इसी ऐसा जोश उम्मीद के साथ हम मिलते हैं फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ओके, कल एनालिसिस में तुरंत आपका करवाऊंगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मित्र आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नए लाजवाब सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।